के बाद अब केंद्र सरकार सस्ते भाव पर प्याज मुहैया करवाने जा रही है। सस्ते भाव पर प्याज की बिक्री सरकारी एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF करेगी। NCCF 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचेगी। केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए प्याज का बफर स्टॉक 3 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन अब सरकार ने इसे 2 लाख टन और बढ़ा दिया है। यही नहीं, प्याज के एक्सपोर्ट पर अब 40% ड्यूटी भी लगा दी गई है। केंद्र सरकार के इस कदम को प्याज की कीमतों में तेजी की आशंका को दूर करने के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्याज पिछले साल से 14 गुना महंगा हो चुका है, यानी 15 दिनों में 10 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोबाइल वैन और खुदरा दुकानों पर प्याज बेचा जाएगा। दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत अभी 37 रुपए प्रति किलोग्राम है। दरअसल बारिश होने की वजह से प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। अभी जो प्याज आ रहा है वो नासिक से आ रहा है, जिससे लागत और बढ़ गई है।